इजराइल, रूस, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ कई ऐसे देश हैं जो भारत के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, लेकिन अब एक और भी ऐसा देश है जिसने भारत के लिए जान छिड़कने वाला कदम उठाया है, जिसे सुनने के बाद आप भी उस देश को सलाम करेंगे। इस देश का नाम है मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी के विरोध में विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया आउट अभियान को रोकने का आदेश दे दिया है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या है इंडिया आउट अभियान और भारत के दुश्मनों को मालदीव के राष्ट्रपति ने आगे क्या चेतावनी दी, क्या कुछ कहा। तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल मालदीव के एक पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन, जो चीन के समर्थक कहे जाते हैं, बिल्कुल हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की तरह। अब्दुल्ला यामीन ने चीन को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ जहरीले विरोधी नारे चलवाए इंडिया आउट, और इसी अभियान को रोकने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने आदेश में कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने फैसला लिया था कि इंडिया आउट अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। परिषद ने फैसला किया कि एक विशिष्ट देश को लक्षित करने वाले राजनीतिक अभियानों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अब सोच रहे होंगे आप कि मालदीव ऐसा क्यों कर रहा, तो बता दें कि ऐसा करके मालदीव एक संतुलित विदेश नीति को अपना रहा, जो बाकी देशों के साथ उसके संबंधों को मजबूत बनाने के लिए असरदार सिद्ध होगा। मालदीव को पता है कि आज दुनिया में कोई भी फैसला, कोई भी सुनवाई, कोई भी कार्रवाई बिना भारत के नहीं हो सकती, और भारत वो देश है जिससे मालदीव का काफी अच्छा संबंध है। राष्ट्रपति द्वारा साइन किए गए निर्देश में कहा गया, इस अभियान ने मालदीव और भारत के बीच सदियों पुरानी दोस्ती और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इस अभियान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन किया है। ये अभियान मालदीव की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण बन सकता है। चलिए अब जानते हैं उस सजा के बारे में जिसे जानकर हर पाकिस्तानी और चीनी हुक्मरानों के सीने पर सांप लौट जाएगा। दरअसल नए विधेयक में भारत विरोधी नारे लगाने वाले से 20,000 मालदीवियन रुपया का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही 6 माह की जेल या फिर 1 साल के लिए नजरबंद किया जा सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि चीन के समर्थक अब्दुल्ला यामीन क्यों चला रहे हैं इंडिया आउट कैंपेन। दरअसल जेल से छूटने के बाद अब्दुल्ला यामीन के इंडिया आउट कैंपेन में और तेजी आई है। पूर्व राष्ट्रपति ने भारत पर देश की आंतरिक राजनीति में दखल देने और मालदीव की मौजूदा सरकार पर भारत के साथ मिलीभगत करने का इल्जाम लगाया है। इसके पीछे की एक और वजह है, अब्दुल्ला यामीन ने भारत से अपने 2 हेलीकॉप्टरों और 1 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ले जाने को कहा था, जिसके बाद इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ा। मालदीव ने सैन्य अधिकारी और एयरक्राफ्ट की तैनाती भारत द्वारा वहां खोजी और राहत बचाव अभियान के लिए तैनात किए हैं। तो वहीं मालदीव की सरकार अपने यहां हो रहे भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से चिंतित है। यही वजह है कि मालदीव के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ और नफरत को लेकर मालदीव सरकार चिंतित है। भारत हमारा सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदार है, लेकिन कुछ समूह और नेता संबंधों को खराब करने के लिए प्रोपोगंडा फैला रहे हैं।